ये वो जो मतलब है जो बता रहा है ये बता रहा है ज्यादा समय से गुड इवनिंग। आज पढ़ना है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो देखिए प्रीपोजिशन तो प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले, पहले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिफोर, BEFORE, बिफोर का मतलब पहले, ठीक है। और पोजिशन मतलब होती है सिचुएशन यानी स्थिति, सिचुएशन नहीं लिखो सीधे हिंदी में लिख लो, पोजिशन का मतलब लिख लो स्थिति, स्थिति, स्थिति मतलब स्थान। तो प्री मतलब पहले, स्थिति मतलब इसका स्थान। तो हाँ पहले स्थान नहीं स्थिति होती है प्री। प्रीपोजिशन कहाँ यूज किया जाएगा, पहले। प्रीपोजिशन का मतलब है पहले स्थिति होती है किसी चीज की। जैसे हमने कह दिया कोई एक शब्द होगा, उसकी प्रीपोजिशन कहाँ स्थित होगा, उस शब्द की पहले, पहले स्थित होगा कौन, प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थिति, है ना। प्रीपोजिशन मतलब पहले स्थिति। अब प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध, संबंध बोधक। यहां नोट करते जाओ, घर में वीडियो देख लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नेट भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो जैसे नोट करना है तो वो अच्छे से नोट कर ले, लेकिन फास्ट नोट करे, ध्यान देना, नोट करते जाना, बता रहे हैं हम, है ना। तो प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति। तो प्री पोजीशन का मतलब होता है संबंध बोधक। संबंध बोधक कहेंगे मतलब जो संबंध का बोध कराए, है ना। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है। यार जितनी अच्छे से लिखी होगी ना उतने ही याद करने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, हिंदी में लिखवा रहे हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में क्या होगा, इसकी परिभाषा में क्या होगा, हिंदी में लिखवा दे, इंग्लिश में, इंग्लिश में तो देखो बड़ी लगेगी तुम लोगों को, ये तो निश्चित है। तो प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन कहाँ होता है, प्रीपोजिशन का मतलब तो समझ गए, प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थिति, लेकिन किसके पहले स्थिति, ये भी तो पता होना चाहिए ना, ये तो पता होना चाहिए ना किसके पहले। तो प्रीपोजिशन कहाँ लगता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है, ध्यान देना। तो कहाँ लगता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या करेगा, प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थिति, किसके पहले, किसी नाउन या प्रोनाउन। ये काम क्या करता है, काम ये करेगा कि प्री किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उस सेंटेंस में अन्य शब्द भी होंगे, सेंटेंस में क्या होंगे, अन्य शब्द, तो उनका रिलेशन बताएगा, उनका संबंध बताएगा, उसका नाम ही तो है संबंध का बोध कराए। किसके, किसके संबंध का बोध कराए, किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंध का बोध कराए, किसके अन्य शब्दों का, किसमें, सेंटेंस के अन्य शब्दों का, किसके सेंटेंस के अन्य शब्दों का, किससे बोध कराए, नाउन या प्रोनाउन से, समझ गए। तो जो शब्द, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन
प्रोनाउन के पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर तो जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर लगकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन, देखो जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ उसका संबंध बताता हो उसे क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। ये अभी देख नहीं रहा होगा तो यहाँ लिख लेना प्रीपोजिशन, ठीक है? तो जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ उसका संबंध बताता हो उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। तो एक कॉमन सेंस ही बात है, एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस जानते हो ना, सेंटेंस किसे नहीं पता? अच्छा, जैसे हम हिंदी में एक वाक्य लिख देते हैं ना कि राम बाजार जाता है, ये सेंटेंस कहलाता है, समझ गए? मतलब एक लाइन लिख दो ना, कैसी लाइन? ये ऐसा नहीं कि ये लाइन यहाँ से लिखो यहाँ खत्म हो जाए तो ये सेंटेंस है, नहीं, एक नॉर्मल सी बात है, इसे कब मुंह बंद करे? एक नॉर्मल सी बात है, जैसे हमने कह दिया राम बाजार जाता है, सेंटेंस है। हाँ। क्या वो एक काम करता है, सेंटेंस है। भले कोई भी सेंटेंस हो, प्रश्न पूछने वाला हो, विस्मयादि बोधक का हो या आश्चर्य वाला हो, मतलब कुछ भी हो, सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस, उसमें पूरी एक बात कही गई हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का काम क्या है? नॉर्मल सी बात है, दिमाग में रखो, याद हो या ना हो, केवल इतना रखो कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन मतलब वो, इसका मतलब भी क्या होता है, प्रीपोजिशन मतलब ये कहाँ लगेगा, इस प्री मतलब पहले, स्थिति मतलब किसी चीज के पहले स्थिति होगी, किसके पहले, किसी नाउन या प्रोनाउन के। तो ये वही है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ उसका संबंध बताता है, और ये किस में प्रयुक्त होगा? सेंटेंस में, सेंटेंस में, वाक्य में होगा ना, कि हवा में, वाक्य में होगा, है ना? जैसे हमने कह दिया एग्जांपल, उसका पहले ये लिख लो, प्रीपोजिशन लिख लो, कितने प्रकार के पढ़ने, पहले ये प्रीपोजिशन पढ़ लो कि प्रीपोजिशन होते क्या है, कैसे पहचानोगे कि ये प्रीपोजिशन है, ये पता होना चाहिए। इन सुना कभी? इन टू सुना कभी? ऑन सुना है? अप सुना है? अपॉन सुना है? नहीं सुना, नहीं सुना, जो भी नहीं सुना, इन इन टू ऑन अप है ना, अपॉन हो गया, एड हो गया, फ्रॉम हो गया, विद हो गया, विद तो सुना होगा ना, डब्ल्यू आई टी एच, टू सुना होगा, नहीं सुना ना, देखो ऑफ सुना होगा, ओ डबल एफ भी सुना होगा, बाय भी सुना होगा, जैसे हम लिखा करते हैं ना कि जैसे हम चैप्टर का नाम देंगे तो प्रीपोजिशन बाय गुलशन सर, ऐसे लिखते ना, हाँ। उसमें बाय का यूज होता ना, तो ये वही बाय है। ऑफ एक होता है, देखो ओ एफ एक होता है, ओ डबल एफ एक होता है, बाय, ये सब प्रीपोजिशन लिखते हैं, ठीक है।
तो फोर सिंस, फोर सिंस लिख लो, याद जितने हो जाए तो हो जाए। आफ्टर फोर सिंस, फोर सिंस एवर अंडर वैल्यू है ना, वैल्यू बिहाइंड, बिहाइंड 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 ये होता है पीछे, डाउन बिहाइंड, डाउन बिटवीन, बिटवीन एमोंग। देखो इसके नाम याद करना है कि ये प्रीपोजिशन होते हैं, अभी तो इनका यूज पढ़ना है ना, यूज पढ़ना है इनका, भी यूज पढ़ना है। तो यूज इतने सारे का नहीं पढ़ाएंगे, यूज केवल जो मोस्ट मोस्ट अच्छे अच्छे सरल सरल होंगे ना वही पढ़ ले, ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं पढ़ने। लेकिन पता होना चाहिए अगर इस सेंटेंस में आ गया कि ऑफ क्या है, ऑफ क्या है तो प्रीपोजिशन है। उसमें क्वेश्चन में आ जाएगा कि फाइंड आउट द प्रीपोजिशन, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा जिसमें ऑफ होगा। अब तो मैं यही पता नहीं होगा कि ऑफ प्रीपोजिशन होता है, तुम तो वही टीवी वाला ऑन ऑफ समझ लो, टीवी ऑन टीवी ऑफ है ना, ऑन ऑफ उसी को कहते हैं, बंद चालू है ना, ऑफ को मतलब बंद। तो एक होता है बिसाइड, ये दिख रहा है इसमें, हाँ बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स, दोनों में अंतर है, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। टी एच आर, टी एच आर ओ यू जी एच थू, ठीक है, इतने लिख लो, और लिखना तो और लिख लो। नाउन Across, ये पता है, ये याद पता बस होना चाहिए कि ये प्रीपोजिशन होता है बस। जितने मतलब जैसे चौथी पांचवी में पढ़ते हैं वो लोग इतना भी पढ़ लेंगे ना कुल ले, ठीक है, इतना बस पढ़ लो कुल ले, हो गया प्रीपोजिशन। होता क्या है, ज्यादा थोड़ी आता है, बाकी इसके बाद जो होता है वो समझने वाली चीज होती है। अभी तुम लोगों की ये सब याद करने की चीज है ना, लेकिन हम इसके बाद जो बताएंगे वो सब समझने की चीजें होंगी, और समझ जाओगे तो अपने मन से ये सब चीजें बन जाती है नहीं। जब कोई चैप्टर स्टार्ट होता है पहली बार है ना, चैप्टर स्टार्ट होता है तो क्या बनने लगता है, क्या जब इसकी प्रैक्टिस होती है कि ये कैसे होता है तभी समझ में आता है, याद कम करना पड़ता है और दिमाग में ज्यादा देर तक रहता है, जब तक कोई चीज समझ में नहीं आती याद नहीं रहेगा है ना। तो उसमें है क्या डेफिनेशन है और प्रीपोजिशन के नाम है, बस हो गया, कह सकते हो इनको पढ़ो, जो पढ़ते ना माने उनसे पूछो। पढ़ो अच्छे से, पढ़ोगे अभी तो याद बना रहेगा। राउंड के बगल से एक्रॉस, ए डबल सी आर ओ डबल एस, एक्रॉस एक्रॉस पढ़ो।
पढ़ते जाना, ईमानदारी से पढ़ते जाओ, हम गारंटी दिए हैं। सेंटेंस टेंस बनाना सीख जाओगे, अभी तक तुम लोगों से टेंस नहीं बनते होंगे, किसी से नहीं बनते ना, लेकिन तुम लोगों को सीख लेने चाहिए थे। टेंस तुमको भी पढ़ना है, पढ़ लिया। उसको सिंस पढ़ेंगे, एवब, ए बी ओ वी ई, एवब। देखो तो हम लोगों ने पढ़ा है प्री पोजिशन, देखो अच्छे से देखते जाओ। प्री पोजिशन उसको हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक। प्री पोजिशन, प्री का मतलब बिफोर होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं पहले, मतलब प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थिति, मतलब कोई एक ऐसा शब्द होगा जिसकी पोजिशन किस में होगी, पहले होगी। अब किसके पहले होगी, किसी नाउन या प्रोनाउन। तो डेफिनेशन हमने लिखवाई है, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध बताता हो तो क्या कहलाएगा, प्री पोजिशन। अब ये किस चीज में होता है, सेंटेंस में, सेंटेंस में ही तो ये सब चीजें होती है। देखो तुम्हारी एच भी सेंटेंस में होती है, मेन वर्ब एडजेक्टिव सेंटेंस, सब सेंटेंस में होता है, सब चीज सेंटेंस में होती है। बताओ एडजेक्टिव पढ़ा है तो सेंटेंस नहीं लिखा है, हाँ। नहीं लिखा, लिखा है, हाँ। बस तो कौन, हाँ, एक्रॉस के आगे लिखा है टू वर्ड्स, टी ओ डब्ल्यू आर डी एस, टू वर्ड्स पढ़ेंगे इसको। तो कौन कौन सी है, इन, इनटू, ऑन, अप, अपॉन, एट, फ्रॉम, विद, टू, ऑफ, बाय, फॉर, सिंस, एवर, अंडर, वेलो, बिहाइंड, डाउन, बिटवीन, अमोंग, बिसाइड, बिसाइड्स, दोनों अलग अलग है, ध्यान देना। हाँ, तो कहीं बिसाइड भी लिखा मिल सकता है, बिसाइड्स भी मिल सकता है। फिर आता है थ्रू, राउंड, अक्रॉस, टूवर्ड्स, जिससे पढ़ते नहीं बनती है, सो हमने बोल के बता दी, ठीक है। अब सबसे पहले आना, अब लिखते हैं यूज, ठीक है, यूज पढ़ते हैं, कैसे कैसे यूज करेंगे, कैसे आता है, तो अब यूज पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं ऑफ का यूज, तो ऐसे डाल लेना, पहला यूज पढ़ना ना, तो यूज एक काम करो हिंदी में लिख लो, ऑफ ऐसे लिख लेना है, ऑफ का प्रयोग, प्रयोग तो लिख सकते हो, यूज को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रयोग। तो ऑफ का प्रयोग करना हमें सीखना है, यूज करना सीखना है। तो हमने बताया था, जैसे मैथ में पढ़ा होगा क्या, का के की पढ़ा है ना, ऐसा लिखा हो, जैसे मैथ में पढ़ा होगा 25% ऑफ 200, ये पढ़ा होगा ना, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, 25% नहीं, उल्टी पढ़ते हैं हमेशा, इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो 200 का, ऑफ को मतलब का, और 25% पढ़ते हैं ना। तो जो ये ऑफ होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, का की, ओके, का की मात्रा कुछ नहीं, ठीक है। तो ऑफ का मतलब ही क्या होता है, ऑफ का जब भी यूज करने वाली चीज आए ना, तो ऐसे करना है। हम तुम लोगों ने देखा होगा, हम ऐसे लगा देते हैं, तो जब एक प्रॉपर चीज की बारे में बात करें, यहाँ किसकी बात हो रही है, ऑफ का, तो ऑफ का अर्थ, ऑफ का अर्थ का, के, की, ऑफ का अर्थ का, के, की, ऑफ का प्रयोग, तो
ऑफ का प्रयोग का के की या अधिकार अधिकार समझते हो ना, ये मेरा पेन है, अधिकार अधिकार बताने के लिए किया जाता है, अधिकार बताने के लिए किया जाता है। तो ऑफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अधिकार बताने के लिए या का या के या की के अर्थ में किया जाता है, है ना। देखो जैसे हम लिख दें महेश एक दुकानदार, एग्जांपल हाँ यू मतलब एग्जांपल लिखवा रहे हैं। देखो महेश एक दुकानदार का लड़का है, महेश कौन है, एक दुकानदार का लड़का, ये हिंदी में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो महेश क्या है, महेश एक दुकानदार का लड़का है या बेटा है, बेटा लिख सकते हो। तो महेश एक दुकानदार का लड़का है, ठीक है। तो देखो यहाँ का यूज हुआ ना, हुआ ना, तो तुमको पता चल गया होगा का मतलब ऑफ, ठीक है। दूसरी चीज महेश के बारे में जानकारी दी गई है, महेश एक दुकानदार, महेश दुकानदार का लड़का है, तो महेश पर किसका हक नहीं है। देखो लड़का है तो हक की बात आ गई ना, ये किसका लड़का है, जैसे खो जाए तो अधिकार किसका होगा, जिसका लड़का होगा, तो यहाँ अधिकार बताया गया ना, तो महेश पर किसका अधिकार है, दुकानदार, तो अधिकार टाइप का है ना। भले देखो लड़का है, अधिकार का मतलब अगर कोई अनजान इंसान हो, अनजान इंसान आ जाए और एक वो जिसका वो लड़का है वो आ जाए, तो दो में से किसका अधिकार ज्यादा लगेगा, जिसका लड़का होगा कि अनजान इंसान का, नहीं। तो यही कहना चाहते हैं। तो पहले एक चीज समझो, तो महेश एक दुकानदार का लड़का है, तो महेश एक लड़का है, पहले ये समझो महेश एक लड़का है, लड़का नहीं लिखना, लो महेश एक दुकानदार का बेटा है, ऐसा लिख लो। तो बेटा कौन है, महेश है ना, तो देखो महेश, देखो इंग्लिश में महेश है के लिए इज, तो महेश इज ए सन, सन कहेंगे ना पुत्र को, बेटा के लिए सर, तो महेश इज अ सन, महेश है एक लड़का, किसका, ऑफ अ बिजनेस, सॉरी दुकानदार मतलब शॉपकीपर होता ना, शॉपकीपर शॉपकीपर। तो महेश एज, देखो महेश एज आसान ऑफ अ शॉपकीपर, तो महेश किसका, महेश एक दुकानदार का लड़का है भैया ना। तो बताया गया ना जो ये ऑफ है ना, ऑफ क्या है यहाँ, प्री पोजीशन, तो आप पहचान गए ना कि प्री पोजीशन है ये, है ना। शॉपकीपर क्या है, एक नाउन है, प्री पोजीशन किसके पहले लगता है, नाउन या प्रोनाउन, तो शॉपकीपर क्या है, कभी अटक जाते हैं, तो शॉपकीपर क्या है, नाउन। यहाँ देखो महेश, महेश भी तो नाउन है, नहीं है नाउन, ये क्या है, एड भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब बताया था, और ये क्या है, देखो महेश इज अ सन। अच्छा इतनी चीजें समझ में आई, जितनी तो हमारी परिभाषा क्या थी कि प्री पोजीशन क्या है, तो प्री पोजीशन वो है जो किसी एक किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है, यही है। तो
तो देखो ये दूसरा नाउन या प्रोनाउन है, ये पहला नाउन या प्रोनाउन है, उसका संबंध कौन बता रहा है? ऑफ। जब तक ये ऑफ नहीं होगा ये दोनों जुड़ेंगे नहीं। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने लो हिंदी से कहा हटा दिया, महेश एक दुकानदार बेटा है, ये क्या हुआ? ये कोई हुआ क्या है? नहीं हुआ ना। जब तक ये का नहीं होगा तब तक दोनों का रिलेशन नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा ना। तो यही बताना है, तो महेश एक दुकानदार का बेटा है, तो ये का किसका काम कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है, संबंध बता रहा है ना, तो यही प्रीपोजिशन है। समझ गए? एक और बताए एग्जाम्पल क्या, एक ही बात बताए, एक और बताए, लिख दो। ये महेश, महेश नहीं कुछ और ले लो, यह रितिक की किताब है, यह रितिक, रितिका लिख दिया, चलो यह रितिका का, रितिका की किताब है, यह रितिका की किताब है। तो देखो यह, अब ये बताओ, एक बात बताओ, यह क्या है, यह क्या है? क्या पढ़ते हो तुम लोग? पहली चीज तो ये क्या है, प्रोनाउन है ना, तो हम पहले इंग्लिश में लिख दें, दिस इज, देखो यह है, दिस इज अ बुक, ठीक है, नाम है तो आर कैपिटल, और की तो ऑफ रितिका। जब तक ये की नहीं होगा जब तक कुछ समझ में आएगा क्या? दीदी शांत बैठ जा, यहाँ देखो यह रितिका की किताब है, दिस इज अ बुक ऑफ रितिका, ए भी नहीं लगाओ तो चलेगा, दिस इज बुक ऑफ रितिका, लेकिन ए लगाना पड़ेगा, थोड़ी अच्छा लगता है, ठीक है। दिस इज अ बुक, देखो यही एक किताब है, यही एक किताब है, अभी रितिका की है नहीं पता, यही एक किताब है, तो दिस इज अ बुक ही तो सेंटेंस बनता है ना, दिस इज अ बुक। अब हमें बताना किसकी है, तो रितिका की, ऑफ रितिका, समझ गए ना, ये दिख रहा है ना सेंटेंस, है ना। तो यहाँ जो दिस है वो क्या है, प्रोनाउन नहीं है, कौन सा प्रोनाउन है? डेमोंस्ट्रेटिव। एच क्या है? एच वी। ये ए क्या है? ए वो होता है आर्टिकल, अभी पढ़ाया नहीं, वो क्या है? नाउन है ना। और रितिका क्या है? ये भी नाउन, नाउन है ना। अब जैसे हम कहते कौन सी नाउन, ये कौन सी नाउन, कॉमन, प्रॉपर नहीं है, किसने कहा प्रॉपर? तो दिस इज अ बुक ऑफ रितिका, तो ये ऑफ क्या है, तो समझ में आ रहा है ना कि प्री पोजीशन होता क्या है, समझ रहे हो ना, ठीक है। ये नाउन हो गया, ये प्री पोजीशन है, ठीक है, ये भी नाउन है, ये प्रोनाउन है। किसने वो लिखा, हेल्पिंग वर्ब, लो हेल्पिंग वर्ब लिख के दे रहे हैं, ऐसे तो इसमें ए में लिख दें हम क्या, आर्टिकल। ये हम बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि तुम लोगों के दिमाग में रहे कि ये चीज है क्या, भूल ना जा, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन पढ़े काफी दिन हो गए हैं, भूल ना जाओ। देखो इसको, सेंटेंस को दोनों, यहाँ वहां दिमाग नहीं किया करो, इसलिए तो बनता नहीं है। दुकानदार होता है ये सब थोड़ी हमारा। तो यहाँ देखो, यहाँ
अधिकार बताना बता रहा है ना कि इस किताब पर किसका अधिकार है, समझ रहे हो ना? का के की के अर्थ में हो रहा है ना, देखो है ना, उसको इंग्लिश में ऑफ ऑफ, ठीक है? हमारे अंदाज से अगर अच्छे से पढ़ते जाओगे ना तो कोई कठिन बात नहीं है, पढ़ना कठिन बात नहीं है, जब यूज होगा तब कठिन होता है, बस अच्छे से पढ़ते जाओ हो जाएगा, है ना? तो अब नेक्स्ट बताए अगला, एक प्रीपोजिशन हो गया, अब दूसरा करते हैं। अब पढ़ना है इनका, इनका प्रयोग, ये दूसरे नंबर का है, ठीक है? तो इन मीन्स होता क्या पता है? तो इनका प्रयोग बताओ क्या होता है, इनका इनका भी सुना है, कैसे सुना है? सुना हाँ सुना, मैं नहीं, मैं अलग होता है, देखो इनका प्रयोग तीन प्रकार से करते हैं। देखो इनके प्रयोग में पहला प्रकार क्या आता है, किसी किसी की स्थिति, किसी की किसी वस्तु में कहेंगे क्या कहेंगे, किसी वस्तु की स्थिति, किसी की स्थिति लिख लो, किसी के अंदर स्थिति को बताता है। हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, ठीक है? किसी के अंदर स्थिति को बताता है। अब ये किसी के अंदर स्थिति कैसी स्थिति, तो एक निश्चित स्थान होगा, जैसे हम कह दें राम बाजार में है, तो देखो बाजार में, तो राम बाजार के ऊपर है क्या? नहीं। राम बाजार के नीचे क्या? नहीं। राम बाजार के बगल में? नहीं। यहाँ पे? नहीं। वो क्या राम बाजार में है, तो अंदर बता रहा है ना, हाँ। बाजार के अंदर होगा, हाँ। तो देखो किसी के अंदर स्थिति को बताता है, किसी के अंदर स्थिति को बताता है, तो राम की स्थिति कहाँ है? बाजार में, तो राम एज इन मार्केट, तो समझ रहे हो ना? ठीक है ना, राम एज इन द मार्केट लिख लो, ये प्रीपोजिशन है। देखो राम एज इन द मार्केट, तो देखो ये नाउन है ना, नाउन, ये भी नाउन है, तो इस राम को किससे जोड़ रहे हैं? दूसरे वाली नाउन से जोड़ रहे हैं ना, देखो एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से बता रहे हैं ना, ठीक है। दा तो तुम्हें पता है आर्टिकल होता है, इज तुम्हें पता है क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, इन क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है, और देखो प्रीपोजिशन देखो इसमें क्या बता रहा है, क्या ये राम की स्थिति बाजार में नहीं बता रहा है, तो किसी के अंदर स्थिति को बताता है, बता रहा है ना, तो राम कहाँ पे है? बाजार में, तो राम इज इन द मार्केट, समझ गए ना, तो ये स्थिति बता रहा है ना। अब हम यहाँ दूसरा भी लिख सकते हैं, एग्जांपल है, एक और एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख दें, वह कमरे में है, तो वह कहाँ है? कमरे में है। कमरे के ऊपर है? नहीं। कमरे के नीचे? नहीं। अगल बगल? नहीं। वो कमरे में है, तो वह कमरे में अंदर है ना, तो अंदर स्थिति बता रहा है ना, निश्चित स्थान है ना कमरा, तो he is in the room कहेंगे ना। अब हमें क्या बताने की जरूरत है कि ये
नाउन है, क्या हमें बताने जरूरत है ये प्री पोजीशन? ये क्या, सॉरी ए जा लिखना है, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है प्रोनाउन, ये नाउन है ये प्रोनाउन, समझ गए ना? क्या पहचानने में दिक्कत होती है? नहीं, कठिन लगे हमसे पूछो, यहाँ पढ़ने आते तो पूछना जरूरी है, तो पूछो हमसे, नहीं तो शांत तो क्या, कॉपी किताबें भी रखी हैं वो भी शांत है, पढ़ो और पूछो, देखो अगर इनमें कोई दिक्कत हो कि ये कैसे वो कैसे तो हम और बताएं। इनका प्रयोग अभी एक प्रकार से पढ़ाना, अभी दूसरे प्रकार से पढ़ना है, तो पहले पहले प्रकार को देखो अच्छे से, समझो उसे। हो गया है ना, अब आगे पढ़ाते हैं। देखो पहले तो इनका प्रयोग किसके किसी निश्चित स्थान के अंदर स्थिति को बताने के लिए किया जाता है, दूसरी चीज बड़े नगरों या स्थानों के साथ प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे हमने कह दिया प्रयोग करते हैं, है वही चीज, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि राम दिल्ली में है, हम कहेंगे राम दिल्ली में है, तो दिल्ली एक स्थान है, क्या दिल्ली के अगल बगल राम है, क्या ऊपर है, क्या नीचे, इससे मतलब नहीं, कहाँ है, दिल्ली में, तो किसी निश्चित स्थान के अंदर है, अंदर है, तो इसलिए हम बता रहे, अलग अलग बता रहे हैं, कोई कठिन नहीं है, कठिन कुछ नहीं है, कठिन मान के नहीं चलो, केवल देखते जाओ, रिवीजन करो, एक बार नहीं चार चार बार रिवीजन कर लो, आराम से याद हो जाएगा, समझ लो मैं चीज। तो बड़े नगरों या स्थानों के साथ प्रयोग करते, अब कैसे, जैसे हम कह दी, हमने क्या कहा अभी, राम दिल्ली में है, अब वहां क्या, राम कहाँ था, बाजार में, कमरे में था, नहीं सॉरी बाजार में था, अब यहाँ हमने दिल्ली भेज दिया, तो राम दिल्ली में है, तो राम एच एन एच एन दिल्ली, ऐसे लिखेंगे, किसी शहर का नाम है डी कैपिटल, समझ गए, या ऐसा कह रहे हैं राम दिल्ली में रहता है, लिख लो ठीक है, और अच्छा हो जाएगा ना, ये मैं है वाला तो चलो ठीक है, तो राम एज रहना होता है लिव, और लिव्स रहता, तो ये अभी बताएंगे क्यों ऐसा आया, केवल समझते जाओ, तो राम दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली में रहता ना, एक निश्चित स्थान में रहता होगा, तो राम एज लिव्स इन दिल्ली, समझ गए, कोई दिक्कत, दूसरा एग्जांपल ले क्या, इसका इंग्लिश में तुम लोग बताना, ठीक है, हमसे मीनिंग पूछ सकते हो, जैसे हम कह दें गांधी जी गुजरात में जन्मे थे, और हमसे कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, गांधी जी गुजरात में जन्मे थे, तो किसी निश्चित स्थान में उनका जन्म हुआ होगा कि गुजरात के ऊपर अंतरिक्ष में, तो कहीं ना कहीं निश्चित स्थान पर हुआ होगा उनका जन्म, तो गांधी जी गुजरात में जन्मे थे, इसका बना के दिखाओ, हमें जो मीनिंग हो पूछनी हो तो पूछ लेना, हम बताएंगे। जन्मे जन्मे है मतलब जन्म होना होता है, बोर्न बी ओ आर एन, गुजरात को क्या कहते हैं,
गुजरात गुजरात जी यू जे जी जी यू जे आर ए टी गांधी जी दा कहां यूज होता, किसी दा मोहन हम लिखते हैं तो गांधी जी भी तो नाम है, दा नहीं लगेगा। गांधी जी बॉर्न इन गुजरात, गलत है, फिर दिमाग लगाओ, गलत है, बताओ। गांधी जी गुजरात में। सर जन्मे को क्या कहते हैं? बोर्न, बी ओ आर एन। अच्छा जैसे गांधी जी पता है, गुजरात भी पता है, मे भी पता है, जन्मे भी पता है, ये थे सर, पास्ट में आ जाता थे, अभी तक है चलता रहा ना, एजमीस है होता था, थे होता है वाज में, तो वाज आएगा, बाकी सब सही है। और जो ये बोर्न लिखा है ना, ये वर्ब है, वर्ब कहाँ आएगी तुम्हारी? देखो हमारी वर्ब कहाँ है, लिप रहना, एचवी के बाद। तो देखो बताते हैं, देखो यहाँ इसका बनेगा गांधी जी वाज, वाज क्यों आया, क्योंकि थे, गांधी जी वाज बोर्न इन गुजरात, जी यू जे आर ए टी, गुजरात का जी कैपिटल, समझ गए ना। तो इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हुआ ना, गुजरात नाउन हो गई ना, बोर्न वर्ब हो गई ना, बोर्न क्या हो गई, वर्ब, ये क्या हो गया प्रीपोजिशन, ये क्या हो गया नाउन, ये वाच क्या है, एच भी नहीं हो गई, और ये भी क्या हो गई, नाउन हो गई ना। तो देखो इसका गांधी जी का संबंध इस वाली नाउन से बता रहा है ना, प्रीपोजिशन संबंध बता रहा है ना। कोई दिक्कत, कोई पूछ सकता है अगर, देखो दिक्कत हो तो हमें बताने के लिए, अभी समझोगे घर में पूरा आएगा समझ में। बोर्न मीन्स क्या होता है, जन्म लेना, तो ये क्रिया होती है, ठीक है, हमने बताया था जिसमें नाम मिल जाए वो कौन है, क्रिया, जन्म लिया जाता है ना, ना? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एक और बताते हैं, दो दो यूज होंगे डेली, ज्यादा नहीं हम पढ़ाएंगे, इसका एक और बताना है, मतलब अभी एक दो हुए ना, इसका तीसरा और बचा है, इसी किसका, इनका, देखो इसका तीसरा और पढ़ लो, तीसरा है इसका स्थिति या संदर्भ में, अब संदर्भ होता है किसी के बारे में, तीसरे में किसका यूज होगा, इनका ही चल रहा है ये, इनके देखो पहले पहला लिखा था, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, ये इनके तीन थे, देखो है तीन लेकिन है नहीं है तीन, वो सिर्फ बताया है कि बड़े बड़े प्रांतों में होता है, बड़े बड़े प्रांत देश के साथ, देखो बड़े बड़े नगरों या स्थानों के साथ बताया है ना, तो वो भी उसका अंदर क्या होता है, में ही तो होता है, राम दिल्ली में रहता है तो राम दिल्ली में ही तो रहता है, अंदर ही तो रहता है, और राम बाजार में था या है तो वो भी तो बाजार के अंदर ही था ना। अब जो तीसरा आएगा कि राम गरीबी में जिया, राम गरीबी में जिया, तो उसकी स्थिति हो गई ना गरीबी, पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी क्या होती है, स्थिति होती है भाई, है ना, कि कोई स्थान होता है कि वो है गरीबी, जा चले जा, होता है क्या, नहीं। होता है क्या, कोई स्थान होता है क्या, नहीं, नहीं होता ना, नहीं। तो क्या होता है, स्थिति होती है, ये होती है स्थिति, सिचुएशन, कि भाई उसकी बहुत स्थिति खराब है, गरीबी कह दो, या कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, अब
कोई देखने गया, अरे भाई उसकी स्थिति बहुत खराब है, स्थिति खराब है ना, उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो वो तबीयत वो है क्या कि वो है उसकी खराब तबीयत, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं, नहीं कहते ना। तो यही है, तो स्थिति या संदर्भ के को बताने के लिए, को बताने में किसका यूज? इनका। जैसे अब राम को देखो, हमने बाजार भेजा, राम को ही दिल्ली भेज दिया। अब राम को ही, जैसे हम कह रहे हैं राम ने गरीबी में जन्म लिया, गरीबी में जन्म लिया, तो गरीबी कोई स्थान नहीं है, पर है क्या? लिया, ठीक है। अब ये लिया आ गया ना, अभी तक था उसके पहले है, अब हमने लिया ले लिया, तो ध्यान देते जाना कि लिए के लिए हमने क्या यूज किया, है के लिए क्या यूज किया, था के लिए क्या यूज किया, तो इससे धीरे धीरे सीखते जाओगे कि क्या करना पड़ता है। तो देखो राम से स्टार्ट करते हैं, राम, अब हमने बताया था लास्ट में है कि था, इसमें है लिया, तो मैं जी या होता मैं, और या के लिए हमेशा करते हैं किसका प्रयोग, बता गुनगुन। हैज, राम हैज अब जन्म लिया, तो वही चीज नहीं हो गई, बोर्न नहीं होता है, तो राम हैज बोर्न अब किसमें, गरीबी में, तो इन गरीबी क्या होती है, पॉवर्टी, पी ओ वी ई आर टी वाई, पॉवर्टी नहीं होती है। तो देखो ये भी तो एक स्थिति है, देखो प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, गरीबी भी एक स्थिति है ना, पॉवर्टी क्या होती है, नाउन की प्रोनाउन, नाउन होती है जिसको ना लगता हो, कौन सी नाउन, हाँ ये नाउन होती है। तो देखो इसका संबंध किससे बताया, राम का संबंध किससे, राम कैसा है, गरीब है, गरीबी में स्थिति, वो जन्म लिया ना, तो देखो संबंध बता रहा है ना, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ रहे हो उस टाइम पे, ये समझ लो ऐसी इंग्लिश हम गारंटी दिए हैं कि नौवीं के पहले पढ़ लो, हम गारंटी दिए हैं, कोई नहीं पढ़ाएगा, अगर टाइम पास करना हो तो वही सिलेबस उठा लो, क्वेश्चन आंसर याद कर लो बस, अगर जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हो तो बहुत अच्छी इंग्लिश है, हमेशा डली रहेगी यूट्यूब पर जब तक हमारा चैनल चल रहा है, तो आज से 3 साल बाद भी खोलोगे तो चलेगा, बस यूट्यूब बस ब्लॉक ना करे, ब्लॉक कर देता है ना यूट्यूब, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो देखो राम बाजार में था, राम दिल्ली में था, देखो राम दिल्ली में, और राम गरीबी में था, तो है तो मतलब वही, देखो राम है बोर्न इन, इनका प्रयोग ऐसे करते, यहाँ भी इनका प्रयोग वैसे किया था, देखो राम इन पॉवर्टी, राम इन दिल्ली, राम इन मार्केट, इन द मार्केट, तो ये तीन नाम के लिए है कि तीन चीजें हैं, इनका प्रयोग तीन चीजों में है, तो वही चीज, अगर हम कह दें कि राम नदी में गिर गया, राम नदी में गिर गया, लो हम बता रहे हैं राम किस में, नदी में गिर गया, बना के देखा, देख लो राम नदी में, नहीं 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 ये नदी में नहीं लिखो, क्योंकि नदी में गिरना, नदी पानी के अंदर पहुंच जाएगा, वो नहीं पहुंच जाएगा, पानी में नहीं है, पानी के अंदर हो जाएगा, ठीक है। राम कहीं भी पहुंचा दो, हम इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं ताकि देखो एक अलग बताते हैं, मेरे अनुसार वह पास, अरे पास पास फैल वाला पास नहीं हो सकता, ये अलग है, ये किसको, संदर्भ को बता रहा है कि मेरे संदर्भ में, मेरे अनुसार, देखो पास होना ना होना वो अलग चीज है, क्या मैं कह दूंगा कि तुम कुएं में गिर जाओगे, तो गिर जाओगे, मैं ये कह रहा हूँ वह पास नहीं हो सकता, तो जरूरी नहीं मैं भगवान हूँ तो मैंने कह दिया कि वह पास ही नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है,
लेकिन उसके चांस तो रहते हैं ना फेल होने के, पास ना होने के, है ना चांस। तो मेरे अनुसार तो किसके, मेरे संदर्भ में, मेरे संदर्भ में वह पास नहीं हो सकता है। तो इस ऐसी सिचुएशन के लिए भी किसकी यूज किया करेंगे, इनका। तो कुछ भी लिख लो, बनाओ इसको मेरे अनुसार, यानी इन माय ओपिनियन। In my opinion, so, देखो इनका यूज हो गया ना। हाँ। अब ये थोड़ा अलग है, तो दिमाग में लोड नहीं लेना है, जितना बने उतना सीखना है। In my opinion, he, अब देखो वह पास नहीं हो सकता, he cannot pass. ठीक है, तो ये भी है, तो ये एग्जांपल है, अच्छे से लिखना। देखो मेन चीज नोट्स अच्छे होंगे ना तो सीखोगे, अच्छा है ना। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है मेन चीज, ये अच्छे डेली का डेली कंप्लीट करते जाओ, नहीं तो इस बार खैर नहीं है तुम लोगों की, ध्यान देना। हम दो ही करा रहे हैं आज, हमने किसका यूज करवाया, ऑफ का और इनका, कल हम कोई और दो लेंगे, रोज दो दो चलेंगे, कम से कम 8-10 दिन चलना है, ठीक है, आराम से चलना है, होने को तो 3 दिन में करा, ठीक है। तो कम से कम ये टॉपिक अगर कर लोगे ना, इंग्लिश लोगे, तो आराम से अर्थ निकालना सीख जाओगे। अब बताओ इतने में से अर्थ निकालना किससे बनता है, बनता है पक्का, अच्छे से बनता है, तो बुरे से बनता है, बनता है थोड़ी बहुत पक्का, देखें तो और अच्छा घर में रखा है बुद्धि, ठीक है, तो पढ़ना अच्छे से, ठीक है, बाय।